कैसे हो? कैसे हो आप? आप हमारी कैटेगरी में आ रही थी क्या? छोड़ के क्या बात? नहीं तो मैडम पतले लग रहे फोटो खींचो रो नहीं आगे ठाकरा राम जाकड़ ने पे प्रियंका चौधरी है, तो यूआईटी चेयरमैन। ये एक तारीख से धरना चल रहा है। इसमें जो 2013 में एलडीसी भर्ती शुरू हुई थी उसमें 8400 लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई, बाकी जो पीछे रहे हैं 19000 में से उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और ये आज भी 10-11 साल हो गए और 5000 जैसे अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं। तो इनको प्रियंका जी ने अभी बोला कि मैं मैडम मुख्यमंत्री तक ये आपकी बात पहुंचाऊंगी और आपको ज़रूर इसमें भर्ती शुरू कर के आपको नौकरी दिलाऊंगी। इतने लंबा समय हो गया, लंबा समय होने के बावजूद भी मैडम ने अभी तक बात पहुँचाई नहीं, क्या आप लोगों की अनदेखी कर रहे हैं? नहीं, अनदेखी तो नहीं है, लेकिन पहले मैटर कोर्ट में था, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आने के बाद में सरकार से लगातार संपर्क में, लेकिन अब पता नहीं सरकार क्यों भर्ती नहीं कर रही है। फैसला आए को लगभग 2 साल हो गए। आपको नहीं लगता चुनावी साल है, इस वजह से आपको लेके कुछ करेगी सरकार? अब हमारे को इच्छा हमारी लग रही है कि गवर्नमेंट इच्छा शक्ति है और अब भर्ती करेगी। हम आशा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी भर्ती करेगी। तो मंत्रालय कर्मचारी की क्या मांग है? मंत्रालय कर्मचारी हमारी एक ही मांग है कि इनकी जो अधूरी रही भर्ती, जो हमारे भाई ये पीछे रहे उनकी भर्ती पूरी कर दे, हमारी एक ही मांग है। तो इनकी आप सामूहिक अवकाश पर है तो इसे योजना जो सरकार की जो योजना है वो ठप नहीं हो रही है? बिल्कुल, योजना जो हम जो काम करते हैं जैसे मनरेगा है वो तो पूरी तरह से ठप है। जो हम और रोजगार सहायक ये काम करते हैं वो पूरी तरह से ठप है। उसके अंदर बाकी काम भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन नरेगा बिल्कुल जो 40 लाख लेबर होनी चाहिए इस समय वो आज 8 लाख में है। मतलब वो सीधा आंकड़े बता रहे हैं कि बिल्कुल काम प्रभावित है। ग्राम विकास अधिकारियों का भी आपको समर्थन? बिल्कुल नैतिक समर्थन, ग्राम विकास अधिकारी पीओ संघ सभी का नैतिक समर्थन है और ये जो भर्ती अधूरी है ये पूरी होनी चाहिए।